तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं हम सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। अभी मैं खड़ा हुआ हूं शताब्दी नगर RRTS के स्टेशन पर दोस्तों। देखो, अब ब्रह्मापुरी के स्टेशन पर चलने से पहले आप सभी को बता दूं दोस्तों कि आप सभी ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। नीचे रेड कलर का बटन होता है, प्रेस कर दो, तुरंत बेल आइकन बजा दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। चलते हैं, देखो यहाँ पर ये गाटर लॉन्चिंग कर रहे हैं और गाटर लॉन्चिंग इसलिए की जा रही है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर मेरठ मेट्रो रुका करेगी इसी ट्रैक पर, इस वाले पर जहाँ मेरी उंगली है, इस ट्रैक पर मेरठ मेट्रो रुकेगी और बीच वाले बायोडक्ट पर दोस्तों, क्योंकि दिल्ली मेरठ RRTS चला करेगी दोस्तों, रुका करेगी चला करेगी। तो इसी वजह से यहाँ पर चार चार आप लोगों को प्लेटफॉर्म देखने के लिए मिलेगा, एक ट्रैक और बीच में दो ट्रैक हो गए, तीन और एक चौथा ट्रैक वो वाला पल्ला वाला, तो चार ट्रैक हो गए तो इसमें मेरठ मेट्रो रुकेगी दोस्तों और RRTS कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है उस पर RRTS भी रुकेगी दोस्तों, रैपिड रेल भी रुका करेगी। तो वो बीच वाले प्लेटफॉर्म पर रुकेगी, ये मेरठ मेट्रो साइड वालों से रुकेगी। तो देखो ये नज़ारा है यहाँ का और ये है दोस्तों सॉफ्ट ड्रिंक्स मॉल मेरठ का। देखो कुछ ये नज़ारा यहाँ पर जो गाटर लॉन्चिंग की जा रही है इस तरीके से दोस्तों। और चलते हैं ब्रह्मापुरी RRTS का स्टेशन, दिखाएंगे चल के आप सभी को कि ब्रह्मापुरी स्टेशन पर क्या क्या काम किया जा रहा है दोस्तों। तो चलते हैं और दिखाते चल के आप सभी को, ऐसे ही वीडियोज़ देखो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। Thank you.
गया है दोस्तों ब्रह्मापुरी आरआरटीएस का स्टेशन देखो, यहाँ पर मेरठ मेट्रो ही रुकेगी दोस्तों, जिस पर ये साइडों से जो गाटर लॉन्चिंग की गई है इन पर आप फ्लोर वर्क की तैयारी की जा रही है दोस्तों। पहले इनको साइडों से जोड़ा जाता है, बीच में भी जोड़ा जाएगा, साइडों से भी जोड़ा जाएगा, उसके बाद में इस पर सर्फिंग लगा कर फ्लोर वर्क किया जाएगा दोस्तों ब्रह्मापुरी आरआरटीएस के स्टेशन पर, ये देख सकते हो। और भारी भरकम जो लॉन्चर लगा हुआ है दोस्तों वो देख सकते हो, इतना ये विंग्स को उठा रखा है और ये बायोडक्ट को जोड़ रहा है बीच वाले पार्ट को दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ये रैपिड रेल नहीं रुकेगी दोस्तों, क्योंकि मेरठ मेट्रो ही रुकेगी दोस्तों। तो चलते हैं और आगे दिखाते हैं चल के अंडरग्राउंड मेरठ सेंट्रल आरआरटीएस का स्टेशन कि उस पर क्या क्या वर्क किया जा रहा है अभी इस टाइम पर दोस्तों। देखो लॉन्चर आप लोग, देखो ये है भारी भरकम लॉन्चर। जोरों शोरों से काम चल रहा है, देखो एक्सीलेटर रखे हुए हैं दोस्तों, और इस साइड में देखो ये बनाया जा रहा है क्या एंटी एग्जिट पॉइंट, इस साइड में बनाया जा रहा है। देखो ये ये है दोस्तों जो एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाया जा रहा है ब्रह्मापुरी आरआरटीएस के स्टेशन पर। देखो अभी ये फाउंडेशन वर्क कंप्लीट किया जा रहा है, अभी फाउंडेशन भी बनकर कंप्लीट नहीं हुआ है, और फाउंडेशन बनने के बाद में दोस्तों ये पिलर को उठाने का काम किया जा रहा है, ये देख सकते हो यहाँ पर। और इस साइड में देखो अभी ऊपर रूफ टॉप का स्ट्रक्चर भी वो भी लगाया जाना है, अभी नहीं लगाया गया। और देखो यहाँ का ये बायोडक्ट को जोड़ने का काम चल रहा है, दूसरा लॉन्चर ये रहा। देखो यहाँ पर ये साइड और सभी गाटर गिर दिए हैं जिन पर फ्लोर वर्क किया जाएगा जल्दी ही। देखो ये नज़ारा है और इधर ही हमें चलना है दोस्तों, मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा आप लोगों को दिखाया जाए। देखो ये काम चल रहा है ब्रह्मापुरी आरआरटीएस के स्टेशन पर दोस्तों, ठीक है। ये सेफ्टी वायर को डाला जा रहा है दोस्तों, अब आई समझ में मेरे। देखो ये बायोडक्ट के अंदर ना सेफ्टी वायर को घेर रहे हैं, ये सेफ्टी वायर डालने का काम चल रहा है। देखो हाँ सेफ्टी वायर, ये देखो किस तरीके से यहाँ पर उठा रखा है इसलिए लॉन्चर ने बायोडक्ट के स्ट्रक्चर को। देखो ये रहा इस तरीके से यहाँ पर ये जोड़ा जा रहा है, देखो दो वो जोड़ दिए, दो हैं तीन हैं, वो तीन हैं, चौथा ये है। देखो इस तरीके से ये जोड़ते चले जाएंगे ट्रक में ला ला के। देखो काम चल रहा है अभी जोरों शोरों से काम चल रहा है दोस्तों, देखो ब्रह्मापुरी आरआरटीएस स्टेशन पर और मेरठ सेंट्रल के लिए ये नीचे देखो डाउन होती चली जा रही है। देखो ये काम चल रहा है यहाँ पे, किस तरीके से यहाँ पर ये लॉन्चर वर्क कर रहा है, किस तरीके से जोड़ रहा है, देखो आप लोग ब्रह्मापुरी के स्टेशन को जोड़ेगा दोस्तों। तो चलते हैं आगे दिखाते हैं चल के मेरठ सेंट्रल का व्यू, जो अंडरग्राउंड जाने वाली है टनल। चलो डाउन होती चली जा रही है, क्योंकि यहाँ पर ये मेरठ सेंट्रल में नीचे अंडरग्राउंड स्टेशन है दोस्तों। दूसरा है दोस्तों वैशाली नगर का, और तीसरा है दोस्तों बेगमपुर। ये तीन स्टेशन अंडरग्राउंड है यानी कि जमीन के अंदर, और बाकी के स्टेशन दोस्तों एलिवेटेड है। जो लॉन्चर अभी आप लोगों ने पीछे देखा था वो यहाँ पर लगाया गया था इस पिलर पर दोस्तों। अब यहाँ पर ये अंडरग्राउंड स्टेशन स्टार्ट हो चुकी है टनल, अभी अंडरग्राउंड टनल चल रही है दोस्तों। देखते हैं चल के क्या दिखा पाता हूँ नहीं दिखा पाता हूँ आप सभी को।
दोस्तों ये बनाई गई है टनल, देख सकते हो आप लोग तस्वीरें। और ये आप लोगों को बता दूं मेरठ सेंट्रल में जारी आगे स्टेशन है मेरठ सेंट्रल का दोस्तों। अब आप लोगों को बता दूं ये टनल में देखो, एक तो ये बीच की दीवार बनाई जा रही है दोस्तों, दोनों साइडों में दीवारें बनाई जा रही हैं और काफ़ी मजबूती के साथ बनाई जा रही हैं। सबसे ज़्यादा इस टनल में दोस्तों लोहा लगा हुआ है ताकि भविष्य में कहीं इसकी मिट्टी ना खिसक जाए अंदर की साइड में, तो इसी वजह से बहुत मजबूती के साथ में दोस्तों पहले पूरा केज बनाया जाता है सरियाओं का जाल, फिर उसके बाद में भाई साहब कंक्रीटिंग की जाती है। अब बीच की देखो रेलिंग बनाई जा रही है, बीच की दीवार बना रहे हैं, साइडों से दोनों दीवारें बनाई जा रही हैं दोस्तों। ये देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर टीम वर्क कर रही है दोस्तों अंडरग्राउंड टनल के अंदर दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें। और अभी आप लोगों को बता दूं इस पर फ्लोर वर्क भी कर दिया जाएगा कुछ दिनों के बाद में, जब ये नीचे तो बन के ऊपर दीवार आ जाएंगी फिर इस पर फ्लोर वर्क किया जाएगा, फिर ये अंदर ही अंदर दोस्तों टनल हो जाएगी दोस्तों आखिर तक दोस्तों। तो आप लोग बताओ कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। केपी संत लाता रहता है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है, तो आप लोग बताना जरूर कॉमेंट करके नीचे कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों। और इधर की साइड में देखो ये पायल करके और नीचे की मिट्टी को निकाला जाएगा दोस्तों अभी, ठीक है ना, देख लिया आपने। और देखो यहाँ पर ये इन्होंने फ्लोर वर्क कर दिया जिसमें हम अभी चल रहे हैं, ये फ्लोर वर्क कर रहे हैं। और देखो ये जो मशीनें लग रही हैं क्रेन मशीनें, ये अंदर टनल के अंदर से ये मिट्टी निकालने का काम कर रही हैं दोस्तों। मिट्टी निकाली जाएगी फिर उसके बाद में ट्रैक को साफ किया जाएगा और आगे स्टेशन जो बन के कम्प्लीट हो गया दोस्तों, नीचे अंडरग्राउंड का उस पर फिनिशिंग का काम किया जा रहा है दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी मुझे कॉमेंट करके बताओ तो आप लोगों को अंडरग्राउंड स्टेशन भी दिखाऊंगा भाई दोस्तों अपने चैनल पर। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, हमें ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा कमेंट कर सकते हो तभी मैं आप लोगों को बना के दिखाऊंगा, उससे पहले नहीं। तो आप लोग जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो नए व्यूअर्स हैं जुड़ने वाले हैं, वो सभी से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें कॉमेंट करके बताओ नीचे। और आप सभी को दोस्तों सारे स्टेशंस अंडरग्राउंड स्टेशंस सबकी अपडेट आप लोगों को केपी संत के चैनल पर देखने के लिए मिलेगी दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप लोग अब नई साल से आप लोगों को यही 24 में यही काम देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। और आप सभी को एक चीज़ और बता दूं कि मेरठ साउथ तक रैपिड रेल पहुंच चुकी है दोस्तों, तो उसका अभी ट्रायल कल हुआ था, दो तीन दिन पहले ट्रायल किया गया था दोस्तों, उसका भी आप लोगों को अपडेट देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। मोदी नगर नॉर्थ और मेरठ साउथ का स्टेशन भी आप लोगों को ऊपर से दिखाएंगे दोस्तों, अंदर से बिल्कुल, नीचे से भी और ऊपर से भी। तो आप लोग बताना दोस्तों, देखो ये फुटबॉल चौक है और इसी को मेरठ सेंट्रल कहते हैं दोस्तों। तो आप लोग बताना आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, ऐसे वीडियो देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस।